वेलकम बैक, मैं आपका दोस्त अभिषेक। तो कैसे हो यार? बहुत ठंड है ना, दिसंबर का महीना है। अपना ख्याल रखो और अपने फैमिली का भी ख्याल रखो, स्पेशली अपने माँ बाप का, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक वही ऐसे इंसान है, आपके माँ बाप, जो तुम्हारे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा चाहते हैं, बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के, बिना कोई ग्रीड के। एक वही इंसान है, बाकी का तो नहीं पता, बाकी तो आप खुद जानते ही हो। तो चलो यार, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, उसका स्टार्टिंग कैसा है, बीच का हिस्सा कैसा है, और लास्ट में वो कैसा चलता है। मतलब कोई भी इंसान रिलेशनशिप में जाता है, कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, जब भी वो रिलेशनशिप में एंटर करता है, उसका स्टार्टिंग का माहौल कैसा रहता है, स्टार्टिंग कैसा गुजरता है, फिर बीच में क्या होता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, क्या साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, या अलग हो जाते हैं। आज की रियलिटी जो है, उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। देखो यार, जो आज का जो रियलिटी है, जो लोगों का रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसा चल रहा है, उसको मैंने देख के, उसको ऑब्जर्व करके, है ना, उस पर जो मैंने सीखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उस पर बात करने वाला हूँ, उसको आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इसको ध्यान से समझना। देखो यार, जब कोई भी इंसान, कोई लड़का है या कोई भी लड़की है, वो किसी को लाइक करता है, किसी को पसंद करता है, तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसका सिर्फ पॉजिटिव, उसका जो अच्छाई है, उसके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ है, उसको देखता है, नेगेटिव चीज़ देखता ही नहीं है। दैट मीन्स कि सपोज़ कोई लड़का है, उसको किसी लड़की से प्यार हो गया या किसी लड़की को लाइक करने लगा, तो वो उस इंसान के अंदर, उस लड़की के अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जैसे उसका खूबसूरती, उसका ब्यूटी, वो देखने में कैसी है, उसका हेयर कैसा है, उसका स्माइल कैसा है, उसका फिगर कैसा है, वो बात कैसा करती है, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, सिर्फ यही सब चीज़ देखेगा। उस इंसान के अंदर क्या कुछ कमियाँ भी हैं, इस चीज़ को कभी नहीं देखेगा। और अगर कोई उसको बताए, उसको कोई एक्सप्लेन करे, कोई दूसरा बोले, तो वो जानबूझ के उस चीज़ को इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो स्टार्टिंग में जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, चाहे कोई भी पर्सन है, नंबर वन की वो पावर ऑफ अट्रैक्शन इतना बहुत स्ट्रांग होता है, इतना पावरफुल होता है, कि आपको उस इंसान का जो कमी है, उस इंसान का जो खामियां है, वो दिखता ही नहीं है, उसका नेगेटिव क्वालिटी आपको दिखता ही नहीं है। और अगर दिखता भी है, तो आप जानबूझ के उसको इग्नोर कर देते हो, उसको नज़रअंदाज कर देते हो, जैसे मैं आपको कुछ पता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब देखो, आप उस इंसान को बहुत लाइक करने लगो, आपका लाइकिंग बहुत बढ़ जाता है, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हो सकता है वो लड़की बहुत ख़राब है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, हो सकता है उसका किसी और के साथ अफेयर रहा हो, या हो अभी भी फिलहाल, या फिर जो लड़का है वो भी अच्छा इंसान ना हो, उसका भी किसी के साथ अफेयर रहा हो, लेकिन जब आप उसको देख रहे हो, उसके तरफ अट्रैक्टेड हो, तो अट्रैक्शन पावर जो है, पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, आकर्षण, उस इंसान को कुछ देखने नहीं देता है, उसके अंदर की कमियाँ, उसके अंदर की निगेटिव क्वालिटी, सब कुछ सिर्फ ढक जाती है, आपको सिर्फ उसके अंदर अच्छाई दिखेगी, अरे बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है, नहीं ये ऐसी नहीं हो सकती है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो ही नहीं सकता, मानोगे ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये चीज़ पता है, तुम्हारे आसपास के फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव, सबको पता है कि वो इंसान कैसा है, तुमको बताएंगे, फिर भी तुमने बिलीव करोगे। ये है बिगर मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती। अब आप अट्रैक्टेड हो उस इंसान को लेके, है ना, पूरा उसके प्रति, उसके पीछे एकदम पूरा आपका जो अट्रैक्शन पावर वो बढ़ते जा रहा है ना, उसको देखने का, उससे बात करने का, उससे मिलने का, है ना, उसको पाने का, उसको हासिल करने का, आपका जो जुनून है वो हद से ज़्यादा गुजर रहा है। अब ऐसे में क्या होगा कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप उसको बोल दोगे, उसको बता दोगे, उसको जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको बोल दोगे कि भाई मैं तुमको लाइक करता हूँ, किसी भी तरीके से आप उसको प्रपोज कर दिए, उसको बोल दिए। अब हो सकता है कि वो इंसान तुम्हारी बात को मान ले, एक्सेप्ट कर ले, चलो अच्छी बात है। अब एक्सेप्ट कर लिए, अब आप और वो दोनों रिलेशनशिप में चले गए, यहाँ से सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप उस इंसान के बारे में कुछ जानते नहीं हो, है ना, तो अभी आप थोड़ी बहुत चीज़ जान रहे हो बाहर से, उसका नाम, उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़, है ना। जब आप उस इंसान के साथ प्रैक्टिकली रियल लाइफ में एकदम रिलेशनशिप में एंटर कर जाओगे, उससे बात करने लगोगे, उससे मिलने जुलने लगोगे, उससे चैट करने लगोगे, उसके पर्सनालिटी के बारे में जानने लगोगे कि ये इंसान है कैसा, तो कुछ समय लगेगा, महीना, दो महीना, चार महीना, छः महीना। इसके बाद एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे, वो भी आपके बारे में सब कुछ जान जाएगी, आप भी उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे। अब कुछ नहीं रहेगा जानने के लिए एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में कुछ छुपा नहीं रह जाएगा। तो जिस मोमेंट पे आप उसके बारे में सब कुछ जान गए, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब आप उसमें इंटरेस्ट लेना धीरे धीरे कम कर दोगे, जितना स्टार्टिंग में फर्स्ट डे, पहला दिन जब आप उसको देखे थे, आप उससे मिले थे, अट्रैक्टेड हुए थे, वो जो पावर ऑफ अट्रैक्शन था, उसके अपेक्षा ये तो कुछ नहीं है, बहुत कम हो जाएगा, धीरे 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 कम होने लगेगा। अब आप, क्योंकि स्टार्टिंग में आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इस वजह से आप जानना चाहते थे कि भाई ये क्या है, कौन सी चीज़ है भाई, ये कैसी है, कैसा है ना, इससे हम बात करें, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब फील होता है,
तो अब आपने वो सब कुछ कर लिया, उससे बहुत सारी बातें कर ली, उससे उसके बारे में सब कुछ जान गए। अब उसका जो निगेटिव है चीज़, जो उसका जो हर इंसान के अंदर अच्छाई है तो बुराई भी है, ये तो आप समझते ही हो कि कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई हो। अगर उसके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ है तो बैड क्वालिटीज़ भी होगा, तो बैड क्वालिटीज़ अब आप उसके उसका देखने स्टार्ट करोगे, देखने लगोगे, दिखना स्टार्ट होगा, है ना। निगेटिव उसका जो जो उसका पर्सनालिटी का है वो सब चीज़, यानी कि उसका कमियाँ आपको दिखना स्टार्ट होगा। आपने इमेजिन किया था कि सिर्फ अच्छा ही है, परफेक्ट इंसान है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, परफेक्ट है मेरे लिए, ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय, है ना, मिल गया मेरे सपनों का राजकुमार, है ना, सपनों की राजकुमारी, है ना, ये होता है ना। तो अब आपको उसका जो कैरेक्टर जो है, उसका जो निगेटिव, उसके अंदर जो बैड क्वालिटीज़ है वो देखना आप स्टार्ट करोगे। ऐसे मोमेंट पे एक तो आप उसके बारे में सब कुछ जान गए हो, आपको जानने का बाकी नहीं रहा, तो वहाँ पे भी अट्रैक्शन कम हो गया, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दोगे उस इंसान में, है ना, और वो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना कम कर देगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में जो भी कुछ जानना था, मिलना था, जुलना था, सब कुछ हो गया खत्म। और दूसरी चीज़ के उसके जो उसका निगेटिव कैरेक्टर है या जो उसका बैड क्वालिटीज़ है उसके बारे में भी जानने लगे, तो बैड क्वालिटीज़ इतना हावी हो जाएगा कि एक तो अट्रैक्शन लेवल कम हो गया, आप उसको में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं हो, पहले घंटों बात करते थे, घंटों चैट करते थे, है ना, अब उतना नहीं बात करते हो, उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस समझ में आया। और दूसरी चीज़ की उसके अंदर की जो कमियाँ हैं वो आपको दिख रही है, ये दोनों मिल के आपको या आपका जो रिलेशनशिप है उसको धीरे धीरे कमज़ोर बनाना स्टार्ट करेगी। आप दोनों के बीच में यहीं से स्टार्ट होगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई झगड़ा, बहस, है ना, फालतू का एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे से अब दूर हटना स्टार्ट हो गया आपको। यही जो मोमेंट है, यही जो फेज़ है, यही फेज़ में आज के टाइम में 90% से ज़्यादा यूथ फंसे हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और मैं ऐसे देखता भी हूँ रियल लाइफ में लोगों को, लोग यही बोल रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीच में ऐसा होता है, फिर लास्ट में हम लोग अलग हो जाते हैं, इसमें क्या करें क्या नहीं करें। अगर हम मान के चलो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं बट वो नहीं चाहता है, नहीं चाहती है, छोड़ दे रही है, किसी और के साथ चली जा रही है, या चीट कर रही है, धोखा करके, कुछ भी चीज़, तो ये क्यों हो रहा है? यही एक रीज़न है, क्योंकि देखो यार, स्टार्टिंग में तो आपने उस इंसान के बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ देखा, उस इंसान के बारे में आपने कुछ भी उसका जो निगेटिव है उसको देखा ही नहीं, उसका क्या कमी है वो देखा ही नहीं, सिर्फ अच्छाइयाँ देखा, चले गए रिलेशनशिप में, नंबर वन मिस्टेक। नंबर टू कि जब उस इंसान के बारे में आप सब कुछ जान गए, कुछ जानने के लिए नहीं बचा देन, अब ऐसे में आपने क्या किया कि भाई उसके बैड क्वालिटीज़, उसके अंदर जो कमियाँ थी वो भी दिखना स्टार्ट हो गई, तो दोनों मिलके इंटरेस्ट भी कम हो गया है अब उससे बात करने में, मिलने में, उसे चैट करने में, और दूसरी चीज़ उसका जो नेगेटिव क्वालिटी है वो भी आपको दिख रहा है, तो ऐसे में दोनों मिलके आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहे हैं। अब आप एक दूसरे से अलग होना चाहोगे, एक दूसरे को छोड़ना चाहोगे, एक दूसरे के ऊपर एज्यूम करके, है ना, गाली गलौज करके उसको ब्लेम लगाओगे, भाई तुम ये कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम पैसे हो। इमेजिन करो स्टार्टिंग में वो इंसान वैसा नहीं था, क्या स्टार्टिंग में उसके अंदर वो कमियां नहीं थी, वो अचानक 4-6 महीना के बाद आ गया? नहीं, स्टार्टिंग में भी वो था बट वो चीज़ इतना छुप गया था। आप हो सकता है स्टार्टिंग में भी वो कुछ ऐसे काम करता हो, या उसका कुछ गलत बिहेवियर हो, कुछ उसका गलत तरीका हो बात करने का या गाली देने का, या कुछ भी वैसा चीज़ जो आप नज़रअंदाज करते आए हो कि स्टार्टिंग में आप कर देते हो, हर इंसान कर देता है, अरे छोड़ लाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वही चीज़ आज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और इस रिलेशनशिप का 110% डेंड होगा। लोग कुछ दिन तक चूँकि अटैचमेंट हो गया है, लगाव हो गया, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं, तो छोड़ नहीं देंगे, है ना, क्योंकि भाई बहुत दिन तक रिलेशनशिप में रहे हैं, है ना, टाइम बिताया, तो एक दूसरे को एक दूसरे का आदत लग गया है, एडिक्शन हो गया है, तुरंत छोड़ नहीं सकते। ऐसे में बहुत टाइम लगेगा, आप भी बहुत पेन सहोगे, ये भी पेन सहेगा, या हो सकता है कुछ केस में सिर्फ आप सहो, इसको कोई फ़र्क ना पड़े, या सिर्फ ये सहे, इसको कोई फ़र्क ही ना पड़े, बात समझ रहे हो, लेकिन कुछ दिन तक ये चलेगा, आप एक लिमिट तक ही सह सकते हो, बहुत आप पेन सहोगे, बहुत दर्द सहोगे, है ना, है ना, और बहुत रोओगे उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, रिक्वेस्ट करोगे, सब कुछ ठीक करने का कोशिश करोगे, सब कुछ समेटने का कोशिश करोगे, सब कुछ चाहोगे यार संभाल ले, सब कुछ ठीक कर ले, रिलेशनशिप बचा ले, बट मेरे दोस्त बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं, 95% से भी ज़्यादा लोग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, ये है रियलिटी आज की रिलेशनशिप का। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, बहुत सारे लोग मेरे से एक ही चीज़ पूछते हैं जो भी प्रॉब्लम में होते हैं कि भाई आप मुझे बताओ क्या हम उस इंसान को ठीक नहीं कर सकते हैं, या हम उस रिलेशनशिप को बचा नहीं सकते हैं, ऐसा इस पेन से हम बच नहीं सकते हैं, क्या हम ये पेन मेरे लाइफ में, या ऐसा मोमेंट, ऐसा बुरा जो है, ये जो दृश्य मेरे लाइफ में आ ही नहीं, कुछ बताओ भाई, बहुत लोग बोलते हैं मुझे, तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, देखो यार ऐसा कर सकते हो,
आप चाहो तो रिलेशनशिप को बचा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ ठीक कर सकते हो, बट अगर सिर्फ आप ही चाहोगे ऐसा तो कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। थोड़ा बहुत भी अगर सामने वाला इंसान चाहे और आप भी चाहो, देन कर सकते हो, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन सिर्फ आप चाह रहे हो, वो चाह ही नहीं रहा, देन कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ आप चाह रहे हो रिलेशनशिप को बचाना, वो चाह ही नहीं रहा, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग ही हो जाओ, वो अच्छा है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में रह के जहाँ पे आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, है ना, आप हैप्पी नहीं होगा, खुश नहीं होगा, हमेशा मतलब पेन में हो, दर्द में हो, टेंशन में हो, है ना, वो अंदर से हैप्पीनेस नहीं है आपके लाइफ में, तो भाई ऐसा लाइफ, ऐसा ज़िंदगी क्या जीना, उससे अच्छा है, ट्रस्ट मी, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में हो, रिलेशनशिप में हो, तो अलग हो जाओ, बाद में कुछ दिन का पेन रहेगा, कुछ दिन बुरा लगेगा, पर ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ऐसे निकले हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे फेज से, ऐसे वक्त से, और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, अनगिनत लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक फंसे हैं, उनका लाइफ बहुत मतलब नरक बन गया। मैं यही बोलूँगा कि एक और चीज़, कुछ लोग होते हैं जिनका दोनों लोग अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, देखो लड़ाई झगड़ा तो हर इंसान की लाइफ में, हर रिलेशनशिप में होने वाला है, ये आपको भी पता है, बट उसको ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप दोनों मिल के चाहते हो ठीक करना, दिन हो सकता है, लेकिन अगर उसमें से एक भी इंसान चाहे लड़का नहीं चाहता है कि वो ठीक हो, है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो, सब कुछ ठीक हो जाए उन लोगों के बीच में, देन इम्पॉसिबल, एक इंसान कभी नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि रिलेशनशिप कभी भी एक इंसान के बदौलत नहीं चलता है, इसमें दोनों की मर्जी, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक इंसान अगर चाहे कि मैं अकेले खुद रिलेशनशिप चला लूँ, मैं ही खुद सहूँगा, मैं ही सब कुछ झेलूँगा, मैं ही उसको हाथ जोड़ लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, सॉरी बोलूँगा, ये कुछ हद तक है दोस्त, लेकिन लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप कहोगे छोड़ो यार ऐसे नरक वाली ज़िंदगी को, बात समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, है ना, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत थोड़ा सा करता हूँ, है ना, आपके प्रॉब्लम में बात करता हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप वीडियो को शेयर किया करो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ पे ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो, है ना, और अपने फेसबुक पे शेयर किया करो, और इस चैनल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑप्शन पे क्लिक करो।